नमस्कार, मैं अश्विनी आपके साथ केपी न्यूज बुलेटिन में। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आज गोविंद रेड्डी ने बीदर जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। कर्नाटका के राज्यपाल, मुख्यमंत्री ने लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि। राज्य के बजट की पृष्ठभूमि में राज्य के सांसदों से मिलेंगे मुख्यमंत्री। कल्याण कर्नाटक क्षेत्रीय विकास बोर्ड के लिए 731 करोड़ रुपए का अनुदान जारी। कर्नाटक, कांग्रेस विधायक की चुनौती, मैं विधानसभा में हिजाब पहनती हूं, सरकार रोक कर दिखाए। अंतिम सफर पर लता दी, घर से शिवाजी पार्क लेकर जाया जा रहा पार्थिव शरीर। आज गोविंद रेड्डी ने बीदर के जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। इस अवसर पर बीदर के पूर्व जिलाधिकारी रहे रामचंद्र आर ने उनका स्वागत किया। रेड्डी ने आज बीदर के कार्यालय में कार्यभार संभाला और अधिकारियों व कर्मियों से मुलाकात की। इस अवसर पर विभाग द्वारा उनका स्वागत किया गया। भालकी में केपीसीसी कार्याध्यक्ष ईश्वर खंडे की मौजूदगी में लगभग 150 महिलाएं कांग्रेस में शामिल हुए हैं। यह महिलाएं भालकी शहर, मोरंबी, डोगरपुर सहित अन्य गांवों से है। यह सभी महिलाएं कांग्रेस में शामिल हुई हैं। पिछले महीने कर्नाटका के उड़पी जिले में एक कॉलेज में हिजाब पहनने के लिए 6 छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के बाद राज्य के अन्य कॉलेजों में फैल गया है कि क्या शैक्षणिक संस्थान एक सख्त ड्रेस कोड लागू कर सकते हैं जो छात्रों के अधिकारों में हस्तक्षेप कर सकता है। यह मुद्दा धर्म की स्वतंत्रता को पढ़ने पर कानूनी सवाल उठाता है और क्या हिजाब पहनने का अधिकार संवैधानिक रूप से संरक्षित है। फिलहाल यह मुद्दा राज्य भर में राजनीतिक रूप ले चुका है। इस मुद्दे पर राजनेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर छात्राओं ने उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया है। अब देखना यह है कि अदालत क्या फैसला सुनाती है। केपी न्यूज के लिए विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटका के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका और भारत रत्न प्राप्तकर्ता लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। इसके साथ साथ अन्यों ने भी शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय बजट पेश किया जा चुका है और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई अगले महीने राज्य का बजट पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री सोमवार को नई दिल्ली में राज्य के सांसदों के साथ विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर चर्चा करने के लिए बैठक करने वाले हैं। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं उन कानूनी सलाहकारों से भी मिलूंगा जो अंतर्राज्यीय जल विवादों में राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भविष्य की कार्रवाई पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। बोम्मई ने यह भी कहा कि उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं की नियुक्ति की मांग की थी और इस पर बाद में शाम को फैसला किया जाएगा। सीटी रवि, स्कूलों में केवल यूनिफॉर्म होनी चाहिए, कहते हुए भाजपा नेता सीटी रवि ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अनावश्यक विवाद पैदा कर रही है और छात्रों के बीच अंतर पैदा कर रही है। मैं छात्रों से अपनी शिक्षा पर ध्यान देने की अपील करता हूं। शिक्षा उनका भविष्य तय करेगी, यूनिफॉर्म नहीं। राज्य सरकार ने कल्याण कर्नाटक क्षेत्रीय विकास बोर्ड के लिए वर्ष 2021-22 के लिए तीसरी और चौथी किश्त के 731.03 करोड़ रुपए अनुदान जारी करने का आदेश जारी किया है। योजना, कार्यक्रम, क्रियान्वयन एवं सांख्यिकी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने इससे पहले कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बीच कांग्रेस विधायक कनीस फातिमा ने अपने समर्थकों के साथ कलबुर्गी जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। फातिमा ने कहा कि वह भी विधानसभा में हिजाब पहनती है। उन्होंने राज्य सरकार को उन्हें ऐसा करने से रोकने की चुनौती भी दी। फातिमा ने कहा, हम हिजाब के रंग में बदलाव के लिए तैयार हैं, जो कि यूनिफॉर्म के कलर का होगा, लेकिन हम इसे पहनना बंद नहीं कर सकते। मैं विधानसभा में भी हिजाब पहनती हूं। अगर वे मुझे रोक सकते हैं, रोक कर दिखाए। ऐसी बात नहीं है। दो हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी ने एक सेशन कुछ लोगों को भेजे थे जो माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं, कई लोगों को वहाँ बात करने के लिए भेजे थे DC साहब के पास, और वहाँ पर बातचीत चल रही थी और कोर्ट में भी ये केस चल रहा है, इसीलिए हम लोग वेट कर रहे थे। तो अब जब कोंडापुर में भी इतना बड़ा ये हुआ है तो हम लोग बाहर निकले हैं।
इंशाल्लाह ताला मैं असेंबली में भी ये क्वेश्चन उठाऊंगी और हम ये इंशाल्लाह ये लड़ाई हम जीतेंगे। इस कॉर्पोरेशन का मसला था उसके लिए मैं जा नहीं सकी बेंगलोर को। मैं अब यहाँ से जाने के बाद गवर्नर से भी मिलूंगी, होम मिनिस्टर से भी मिलूंगी, सीएम से मिलूंगी और ये हम सब एमएलए मिलकर, मुस्लिम एमएलए मिलकर हम ये बात उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो हम उड़पी भी जाएंगे। वो अब है ना, अब ये जो आया है ये मसला इंशाल्लाह ताला इसका है, मुजम्मिल का है, असेंबली में लाएंगे हम लोग। मैं कई क्वेश्चन डाली हूँ इससे पहले, क्वेश्चन पूरे जो भी उन लोगों को जवाब नहीं है उन लोगों के पास पूरे क्वेश्चन गायब कर देते वो लोग। इससे पहले मेरे 28 क्वेश्चन थे एक असेंबली में, एक क्वेश्चन भी नहीं आया मेरा। क्या बोले तो मैं ऑनलाइन भेज दे रहे हम आंसर्स बोल के, तो इन लोगों के पास जो जवाब नहीं रहता उसको आप इससे पहले देखे होंगे। हमारे टेंक खरगे साहब का क्वेश्चन ही बदल दिए उनका, जो गड़बड़ किए थे उन्होंने असेंबली में। तो ये बीजेपी आने के बाद ये हालात है, क्या कर सकते हैं उसको। वो लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है इलेक्शन लड़ने का, तो इसीलिए आप देख रहे हैं हर जगह ये छोटे छोटे मुद्दों को उठाकर हिंदुओं को एक करने का ये लोग कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम ये होने नहीं देंगे। आप देख रहे हैं हमारे साथ काफ़ी सारे नॉन मुस्लिम्स हैं, तो हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। एजुकेशन मिनिस्टर से भी हम लोग मिलेंगे जाकर, सीएम से भी मिलेंगे। आप देख रहे हैं कि तनवीर सेठ ने भी एक दिया है मेमोरेंडम सीएम को, और मैं खुद भी यहाँ काफ़ी दिनों से मैं यहाँ पर थी। मैं जाने के बाद अब इंशाल्लाह ताला मैं खुद भी जाके मिलूंगी और ये इशू उठाऊंगी। असेंबली में बिल्कुल आवाज़ उठेगी, सिदरा मैं साहब खुद बात करेंगे इंशाल्लाह ताला, बाकी सब तमाम हम लोग मिलकर बात करेंगे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बिदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, देखते हैं आगे के समाचार। रविवार को देश की मशहूर गायिका और स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन का समाचार सुनते ही पूरा देश शोकाकुल हो गया। लता के निधन पर केंद्र सरकार ने 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। लता के निधन पर राजनीतिक हस्तियों से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े दिग्गजों ने शोक व्यक्त किया है। लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को उनके घर प्रभु कुंज से शिवाजी पार्क ले जाया जा रहा है। बता दें कि शिवाजी पार्क में ही लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार किया गया। लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए एक ट्रक को सजाया गया। भारी संख्या में लता दी को पसंद करने वाले उनके फैंस जमा हुए हैं। भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कल 7 फरवरी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कार्यालय ने ये जानकारी दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार गायिका लता मंगेशकर के सम्मान में कल 7 फरवरी आधे दिन की छुट्टी मनाएगी। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान रोड शो, पदयात्रा, साइकिल, बाइक या गाड़ियों की रैली और जुलूस निकालने पर पाबंदी जारी रहेगी। चुनाव आयोग ने रविवार को प्रेस नोटिस जारी करके इसकी जानकारी दी। हालांकि आयोग ने इंडोर हॉल में पब्लिक फिजिकल मीटिंग और आउटडोर मीटिंग्स के लिए कुछ रियायतें दी हैं। आयोग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना जारी रहेगा। इस दुनिया में नहीं रही, उनके निधन की खबर सुनकर आज हर आंख नम है। देश की बुलबुल अब और नहीं गा सकेगी, लेकिन उनकी आवाज और गाने अमर है, वह हमेशा लोगों के दिलों में रहेगी। लता मंगेशकर के गाने
कानों से दिल की गहराइयों में उतरते हैं। उनके कुछ गीत तो ऐसे हैं जिन्हें सुनकर बड़ी से बड़ी हस्तियां अपने आंसू रोक नहीं पाई। ऐसा ही एक गाना है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। इस गाने को सुनकर उस वक्त देश के प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू भी रो पड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रो चुके हैं। इस गाने को लिखे जाने की कहानी बड़ी रोचक है। लोकसभा सांसद और AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की सलामती और लंबी उम्र की कामना करने के लिए रविवार को हैदराबाद के बागे जहानारा में एक व्यवसायी ने 101 बकरियों की बलि दी है। बकरियों के बलिदान के लिए एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आयोजन में मलकपेट विधायक और AIMIM नेता अहमद बलाल भी शामिल रहे। उत्तर प्रदेश के मेरठ से दिल्ली जा रहे सांसद ओवैसी की कार पर गोली लगने के कुछ दिनों बाद यह बात सामने आई है। हालांकि फायरिंग करने वाला बिना किसी चोट के भाग गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी को नकली समाजवादी करार देते हुए रविवार को कहा कि जनता की आस्था से कोई सरोकार नहीं रखने वाले इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी को अपार समर्थन मिलता देखकर अब सपने में भगवान कृष्ण की याद आने लगी है। मोदी ने मथुरा, बुलंदशहर और आगरा के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जन चौपाल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर तीखे प्रहार किए हैं और कहा, चुनाव देखकर कृष्ण भक्ति का चोला ओढ़ने वाले लोग जब सरकार में थे तो वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन और नंदगांव को वे भूल ही गए थे। आज भाजपा को अपार समर्थन देख इन लोगों को अब सपने में भगवान कृष्ण की याद आने लगी है। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रविवार तड़के सीमा सुरक्षा बल की कार्रवाई में 3 पाकिस्तानी मादक पदार्थ तस्कर मारे गए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि तस्करों के पास से हेरोइन के 36 पैकेट बरामद हुए हैं। अब देखते हैं समाचार फिल्मों के। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को लेकर अक्सर लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि एक मराठी भाषी गायिका ने उर्दू से परिचित नहीं होने के बावजूद इस भाषा में अपने उच्चारण को कैसे बेहतर किया। इसका उत्तर वर्ष 1947 में मिलता है, जब लता मंगेशकर पहली बार दिलीप कुमार से मिली और कुमार ने मंगेशकर की उर्दू उच्चारण को लेकर संदेह जताया। उसके बाद दिलीप की एक टिप्पणी ने उन्हें उर्दू सीखने के लिए एक मौलाना से पढ़ने को प्रेरित किया। अब देखते हैं खेल जगत के समाचार। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज फर्स्ट ODI, चहल ने पूरा किया खास शतक, सबसे तेज ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय स्पिनर बने। अब देखते हैं समाचार बाजार के। अगले साल लॉन्च हो जाएगा भारत का डिजिटल रूपी। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। आज गोविंद रेड्डी ने बीदर जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। कर्नाटका के राज्यपाल, मुख्यमंत्री ने लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि। राज्य के बजट की पृष्ठभूमि में राज्य के सांसदों से मिलेंगे मुख्यमंत्री। कल्याण कर्नाटक क्षेत्रीय विकास बोर्ड के लिए 731 करोड़ रुपए का अनुदान जारी। कर्नाटक, कांग्रेस विधायक की चुनौती, मैं विधानसभा में हिजाब पहनती हूं, सरकार रोक कर दिखाए। अंतिम सफर पर लता दी, घर से शिवाजी पार्क लेकर जाया जा रहा पार्थिव शरीर। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।